हेलो दोस्तों, मैं रजनी। मैं आप लोग को अडेनियम प्लांट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये एक रेगिस्तानी पौधा है दोस्तों। इसमें बहुत कम पानी डालने की आवश्यकता होती है। ज़्यादा अगर इसमें पानी आप डालिएगा तो इसके जो रूट बॉल हैं ये गल जाएंगे। गल जाने के कारण ये प्लांट मर जाएंगे। देखिए, यहाँ पर से एक सूट निकल रहा है। मैं इसमें बहुत कम पानी डालती हूँ, यानी कि इसका मिट्टी जो होना चाहिए थोड़ा सा भुरभुरा टाइप का होना चाहिए, इस तरह का। ये नहीं है कि इसमें पानी ही आप ना डालें, गर्मी में ज़्यादा सर्वाइव करता है दोस्तों। और इसके फूल बहुत ही प्यारे लगते हैं देखने में। देखिए, इसमें बहुत सारी कलियां निकल रही है, बहुत सारे फूल खिले और झड़ भी गए हैं। मैं इसमें 10-12 दिन में पानी डालती हूँ थोड़ा बहुत। और ये जो प्लांट है, अगर इसके कटिंग भी लगते हैं दोस्तों, इसके कटिंग आप यहाँ पर से काटिए, यहाँ पर से नोट एरिया के पास से। और इसे दो तीन दिन के लिए ड्राई कीजिए, 6 में रख दीजिए इसके कटिंग को। उसके बाद आप इसको मिट्टी में, बालू मिट्टी में लगाइए। ज़्यादा उसमें, इस मिट्टी में ज़्यादा बालू रहना चाहिए और थोड़ा बहुत बजरी, मोटे मोटे दाने बालू के रहने चाहिए और मिट्टी रहने चाहिए, तब ये ज़्यादा सर्वाइव करेगा दोस्तों। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, मैं अपने टेरेस पे आई हूँ और सारे पौधों में पानी डाल रही थी, तो मैंने सोचा कि इस पौधे के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये गर्मी में बहुत अच्छे प्लांट हैं, आप लगाइए अपने गार्डन में और ढेर सारे फूल पाइए। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ दोस्तों कि ये जो प्लांट हैं, इसे आप अगर आपके यहाँ पालतू जानवर रहते हैं तो इसे आप ज़मीन में ना लगाएं, ज़मीन में आप पॉट भी ना रखें, थोड़े ऊंचे स्थान पर रखें। क्योंकि इसके जो लीफ होते हैं, इसके जो प्लांट होते हैं, लीफ होते हैं, इसे दूध निकलता है और थोड़ा जहरीला पौधा होता है, यानी कि छोटे बच्चों से और घर में जो पालतू जानवर आप पालते हैं उससे आप इसे दूर रखें, इस प्लांट से दूर रखें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। थैंक यू सो मच।